जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिएगा, आज की इस वीडियो में संख्या पद्धति के एक छोटे से टॉपिक इकाई अंक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसे यूनिट डिजिट कहते हैं। देखना मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपके दो प्रकार के बाबू एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है जिसमें कोई पावर नहीं होता है, सीधा समीकरण के रूप में होता है। और एक सवाल एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है, इसमें बड़े पैटर्न पे भी सवाल आते हैं जिसमें घात वाला सवाल होता है, तो जिसमें पावर दी जाती है घात के रूप में होता है। एक ये सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है और एक हिसाब से आपका इस हिसाब से सिंपल टाइप बनता है जो समीकरण के रूप में होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इस पैटर्न पे सवालों की बात करेंगे और इसकी जो दूसरी वीडियो होगी वो हम घात के सवालों के ऊपर लेके आएंगे, जिसमें हम जितने भी घात वाले सवाल होते हैं जीरो से हीरो लेवल तक सारे सवालों को इसके अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चीजों को समझिएगा अच्छे से, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है भाई। देखिएगा, शुरू करते हैं। यहां मैं आपसे बोलूं कि यहां पे इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक का मतलब आप समझते हैं, यूनिट डिजिट, मतलब कि यहां लिखा है 631, तो इसका इकाई अंक कितना है? एक। इकाई दहाई सैकड़ा, तो हमें इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक कितना होगा? एक होगा। तो गुणा में, प्लस में, माइनस में ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? इकाई अंक का गुणा करना है, हमारा काम निकालना है। देखिएगा, अगर मैं एक का गुणा नौ से करूं तो नौ एकम कितना होगा? नौ होगा। अब नौ का गुणा एक से करूं तो नौ एकम कितना होगा? नौ होगा। और फिर नौ का गुणा नौ से करूं तो नम्मे नम्मे कितना होगा? इक्यासी। और इक्यासी का इकाई अंक कितना होगा? एक। अरे भैया, इक्यासी यानी 81, और इक्यासी का इकाई अंक कितना होगा? एक। और एक का गुणा अगर मैं छह से करूं तो छह एकम कितना होगा? छह। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा? छह होगा, ये हमारा इकाई अंक होगा, ठीक है। देखो भाई, ज्यादा लिखना नहीं है, हमें डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। एक बार मैं सवाल में बता देता हूं, पीछे से हमने एक को उठाया, इधर से इकाई अंक कितना है? नौ है। इसका इकाई अंक कितना है? एक है। इसका इकाई अंक कितना है? नौ है। इसका इकाई अंक कितना है? छह है। ये हो गया भैया यूनिट डिजिट। अब आपको गुणा करना है और डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। ये देखिए, नम्मे नम्मे नौ एकम नौ हो जाएगा, नौ ऐसा कैसा, नौ का गुणा इसमें करेंगे तो नौ ही आएगा, और नौ का गुणा नौ में करेंगे तो इक्यासी आएगा, तो इक्यासी का इकाई अंक कितना होगा? एक। और एक का गुणा छह में करेंगे तो कितना आएगा? छह। तो इस प्रकार से हमारा इकाई अंक छह होगा, ठीक है। अब किसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं सवाल में, ठीक है। चलिएगा, एग्जाम्पल वाले सवाल ले लेते हैं कुछ हम लोग। यहां पे देखिएगा भाई, आपको मैं बता दूं कि पांच एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इकाई अंक के सवाल में। देखिएगा, इस सवाल में, इस वीडियो के अंदर हम पावर वाले सवाल नहीं करेंगे, सारे दूसरे सवाल को कवर करेंगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए यहां पांच है और पांच यहां दो है, तो अगर मैं गुणा करूं, पांच दूना क्या होगा? दस, और दस के पीछे क्या होता है? जीरो। तो इकाई अंक कितना होगा? जीरो होगा। और इस वीडियो में यहां पर हम देखें इस सवाल के अंदर कि यहां पे देखिएगा, आठो पंजे चालीस, आठो पंजे चालीस, चालीस के पीछे क्या होगा? जीरो होगा। तो भैया इकाई अंक कितना होगा? जीरो होगा। लेकिन अभी मैं आपके सामने एक सवाल बना देता हूं। मैंने क्या किया यहां पे, इसको मैंने पांच ही रहने दिया और आठ की जगह में लिख देता हूं तीन, आठ की जगह में लिख देता हूं तीन। अब बताइए इकाई अंक कितना होगा, कितना होगा इकाई अंक? तो देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां पे पांच तिया पंद्रह या तीनों पंजे पंद्रह, तो पंद्रह के पीछे क्या होता है? पांच होता है। तो यहाँ इकाई अंक कितना होगा? पांच होगा। यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि पांच सम संख्या से गुणा करेगा, यदि पांच सम संख्या से गुणा करेगा तो इकाई अंक जीरो आएगा, और अगर पांच विषम संख्या से गुणा करेगा तो आपका इकाई अंक कितना आएगा? पांच आएगा। आप जानते हैं, कोई सी भी विषम संख्या ले लो, कैसी भी, हम जैसे सात ले लेते हैं, तो सातों पंजे पैंतीस, पीछे पांच ही आएगा। यानी कैसी भी विषम संख्या हो, यूनिट डिजिट कितनी होगी? फाइव होगी। और कैसी भी सम संख्या हो, हमारा इकाई अंक का होगा? जीरो होगा। तो बड़े सवाल अगर एग्जाम में आते हैं और हमें पांच दिखाई देता है और सम संख्या दिखाई देती है तो वहां जीरो आंसर हो जाएगा, और बड़े सवाल के अंदर अगर हमें पांच के साथ विषम संख्या लगातार नजर आती है तो आंसर पांच होगा। फॉर एग्जाम्पल सवाल को देखते हैं, जैसे कि बाबू ये सवाल को ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा, है ना।
यहाँ पे देखिए ये 5 है और यहाँ कितना दिख रहा है 4। ये देखिए 5 और 4 का गुणा कर दो तो 5 चौके कितना होगा 20 और 20 के क्या आएगा 0 आएगा। तो आगे सवाल को करने से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर 0 जिससे भी गुणा करता है वो उसको 0 कर देगा, 0 किससे भी गुणा करेगा वो उसे क्या कर देगा 0। तो 0 का ना 8 में गुणा करने से मतलब है ना 4 में गुणा करने से मतलब है, तो मेरा आंसर क्या होगा 0। तो ये सवाल हम बिना पेन उठाए आंसर दे सकते थे, हमें यहाँ सम संख्या नजर आ रही है, यहाँ 5 नजर आ रहा है, तो आंसर क्या होगा 0। इधर आ जाइए, ये बताइए ये कौन सी संख्या है विषम, ये कौन सी है विषम, और इधर कितना है 5, तो क्या इसका आंसर 0 होगा? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5? कैसे होगा भाई ध्यान से सुनना, क्योंकि इकाई अंक में गुणा करना है तो 5 और 7 तो 35, 35 के पीछे 5 होगा, फिर 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 3 15, 15 के पीछे कितना होगा 5 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग, अगर 5 के साथ सम संख्या में हम गुणा कर रहे हैं तो 0 बनेगा, और अगर 5 के साथ हम विषम संख्या का गुणा कर रहे हैं तो 5 बनेगा, इस हिसाब से हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, बोले सर कभी 5 नहीं हुआ तो भैया गुणा करके देख लीजिए पीछे वाले अंक का, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो सवाल कर लेते हैं, ये देखिए बताइए क्या आंसर आएगा इसका, देखिएगा। चलिए भैया देखना, सभी लोग 2 का गुणा करते हैं, 8 2 16 या 2 8 16, 16 के पीछे क्या होता है 6 होता है, ठीक है, बीच में गुणा मत कर देना, इकाई अंक में करना। 6 चौक कितना होगा 24, 24 के पीछे क्या होता है 4 होता है, और भैया 4 3 कितना होगा 12, और 12 के पीछे क्या होता है 2 होता है, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा, ये हमारा इकाई अंक है। यानी इन सब का गुणा करें तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा भाई 2 आएगा, समझ गए बात को। चलिए और आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवालों को देखते हैं, इस क्वेश्चन को बताइए क्या आंसर होगा। 78 × 163 × 269 × 296 इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। ठीक है, चलिए देखो भाई अच्छे से, 8 का गुणा 3 से करें तो 8 3 कितना होगा 24, 24 के पीछे क्या होगा 4, 4 का गुणा 9 से करें तो 4 9 कितना होगा 36, 36 के पीछे क्या होगा 6, और 6 का गुणा 6 से करें तो 6 6 36, और 36 के पीछे क्या होगा 6 होगा, तो हमारा इकाई अंक आ जाएगा 6, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, चलिएगा आगे देखिएगा इसका आंसर, देखिए इसमें देख के बताइए क्या होगा भाई। लो भैया अब देखो यहाँ पे, ये देखिए क्या 5 का रोल नजर आ रहा है, बोले सर यहाँ 5 है, भैया ये आगे है, ये इकाई अंक में नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, चलिए 7 का गुणा करते हैं, 7 9 63, 63 के पीछे 3 होगा, 3 चौके 12, 12 के पीछे 2 होगा, 2 8 16, 16 के पीछे 6 होगा, और 6 2 12, 12 के पीछे 2 होगा, तो भाई हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2, हमारा फाइनल आंसर 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, हमारा फाइनल आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा इसका जवाब दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा सेंस रख के दिमाग लगाइए यहाँ पे, कि यहाँ पे इकाई अंक कितना है 5 है, यहाँ इकाई अंक कितना है 8 है, 8 कौन सी संख्या है सम संख्या है, कौन सी संख्या है सम संख्या है, इधर क्या लिखा है 5 लिखा है, 5 किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा तो इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, और 0 आने के बाद भैया इस पूरे सवाल का आंसर भी 0 होगा, इस पूरे सवाल का आंसर भी 0 होगा। बोले क्यों होगा? क्योंकि भैया 5 ने अगर सम संख्या से गुणा किया तो 0 होगा, और 0 का गुणा फिर किसी से भी कर दो वो उसको क्या कर देगा 0 कर देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए तो गुणा के साथ साथ मेरे भाई प्लस में भी आंसर आ सकता है, प्लस का सवाल देख लेते हैं, माइनस का देख लेते हैं, एक एक सवाल दुई के देख लेते हैं। देखिएगा जैसे गुणा के किए थे ऐसे ही जोड़ घटाओ के है, बताइए इसका इकाई अंक कितना है 4, इसका कितना है 5, तो 5 और 4 कितना होता है 9, यही आंसर है। जोड़ के सवाल में जोड़ दो, गुणा के सवाल में गुणा कर दो, घटाओ के सवाल में घटा दो,
ठीक है, ये सबको जोड़ने के बाद पीछे 9 ही आने वाला है, इकाई अंक 9 है। यहाँ घटाते हैं, देखिए 5 में से 2 गया तो कितना 3, ऐसा नहीं करना है ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी नहीं घटानी है, आप यहाँ पे देखो हमें घटाव किस प्रकार से करना है। 2842 ज्यादा है, 325 छोट का है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो ये बताइए क्या 2 में से 5 घटेगा? ठीक है नहीं, तो हासिल लेंगे, इधर से हासिल लेंगे तो बचेगा 12, 12 में से 5 गए तो कितना 7, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। 12 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा 7, कंप्लीट। उम्मीद करते हैं भाई आप समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है चलिएगा। तो इसका जवाब दीजिए, सबके बीच में प्लस है और इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक पूछा है, गुणा करना है कि जोड़ना है? भैया जोड़ना है, देखना भाई जोड़ने का तरीका देखना। हम देखें तो 5 और 4 कितना होगा 9 होगा, जोड़ते चलिए 9 होगा, 9 और 3 कितना होगा? भैया यहाँ 9 आया तो ये 9 और 3 कितना होगा 12, 9 और 3 कितना होगा 12, और 12 के पीछे कितना होता है 2 होता है, हमें तो इकाई अंक से काम है ना, 12 के पीछे 2 होता है, और 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, हमारा आंसर हो जाएगा 3, मतलब इसको जोड़ने के बाद इकाई अंक कितना होगा तो 3 होगा। कोई दिक्कत? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखो, एक का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, डैश डैश करते करते कहां तक जा रहा है ये 100 का फैक्टोरियल, कहां तक जा रहा है 100 का फैक्टोरियल। एक बात बता दूं मैं, फैक्टोरियल होता क्या ध्यान रखना, फैक्टोरियल हमारे सामने लिखा है 2 का फैक्टोरियल, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा रख सकता है कि इस प्रकार से फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का है अर्थ कि इसको आप तब तक खोलें जब तक कि 1 ना आ जाए, उल्टा लिखना है, तो 2 को लिखेंगे 2 गुणा 1, आ रही बात समझ में? अभी मैं आपसे पूछूं 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 3 गुणा 2 गुणा 1, ये फैक्टोरियल है। अगर मैं पूछूं 4 का फैक्टोरियल तो आपका जवाब होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। भैया 0 मत लिखना, क्योंकि 0 आया तो वो सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, समझ रहे मेरी बात को आप लोग? चलिए इसको हटा देता हूं, ठीक है। बोले सर 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 को एक बार खोलेंगे 1 ही रह जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते रहना यहीं पे अच्छे से चीजों को समझिएगा। अगर मैं आपके सामने लिखूं 5 का फैक्टोरियल, अब मैं लिखूं 5 का फैक्टोरियल तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक और लिख लेते हैं छोटका सा, 6 का फैक्टोरियल, किसका फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6 से चलेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 और 1। अब एक चीज नोटिस करना, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे गुणा करके दिखाता हूं, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा, इसको सॉल्व करने पे 3 दुना 6 6 कम 6 हो जाएगा, 4 तिया 12 12 दुना 24 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पे 4 तिया 12 12 दुना 24, 24 पंजा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इसका गुणा करके देखते हैं, 4 तिया 12 12 दुना 24 पंजा 120 और 120 12 छंग कितना होगा 72, 12 छंग कितना होगा 72, यानी 720। आ रही मेरी बात समझ में? अब एक चीज नोटिस करना, अच्छे से दिमाग लगाने वाली, आपने यहां तक देखिएगा, यहां तक आपको पता है जैसे ही 5 की एंट्री हुई, भाई समझना, जैसे ही 5 की एंट्री हुई तो 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है 5 तो आएगा ही आएगा। अब 5 के साथ सम संख्या भी आएगी, 5 के साथ सम संख्या भी आएगी, अब हर सवाल में ऐसा चलेगा, देखो 5 4 3 2 1, इसमें भी देखो 5 भी आया 4 भी आया, तो इस 5 के बाद जिसका भी फैक्टोरियल करेंगे उसके पीछे 0 आएगा, ध्यान से सुनना, 5 के बाद जिसका भी फैक्टोरियल करेंगे उसके पीछे 0 आना निश्चित है, 5 6 7 8 9 10 99 किसका भी फैक्टोरियल करो, क्यों? क्योंकि आप फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 5 आएगा, और 5 किसी सम संख्या से टकरा के सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, ठीक है। तो इनका इकाई अंक 0 होगा, लेकिन 4 तक की सीरीज में 5 नहीं आया था, तो इसका फैक्टोरियल 1, इसका 2, इसका 6, इसका 24, आ रही मेरी बात समझ में? तो इसके फैक्टोरियल का मान क्या होगा, इधर इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा था थोड़ा समझिएगा, यहां पे
मैं ये कहना चाह रहा था कि एक के फैक्टोरियल का मान कितना है, एक है। दो के फैक्टोरियल का मान कितना था, दो था। तीन के फैक्टोरियल का मान 6, ठीक है, सुनिएगा। चार के फैक्टोरियल का मान 24, और अगर मैं आगे पांच के फैक्टोरियल का मान लिख भी दूं, एक मिनट के लिए लिख भी देता हूं, तो आपको मैं बता दूं पीछे क्या आना है, जीरो आना है सबके पीछे। इसके पीछे जो भी संख्या होगी 100 तक का पूछा है हमसे, तो जीरो ही आना है। अब हम जोड़ते हैं, देखिएगा। तो मैं जोड़ता हूं दो और एक तीन, तीन और छह नौ, नौ में चार जोड़ दीजिए, नौ और चार तेरह, तेरह के पीछे कितना होगा तीन, और तीन में जीरो जोड़ो तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? आप बोले सर आपने बोला था जीरो हो जाएगा। भैया गुणे का चिन्ह होता ना तो जीरो होता है, ठीक है, तो जीरो होता है। जीरो किसी से भी गुणा करता है तो उसको जीरो करता है, यहां तो जुड़ रहा है। तो अगर मैं तीन में कुछ भी नहीं जोड़ू, तीन में जीरो जोड़ दू, तो मेरा आंसर तो तीन ही रहेगा ना, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तीन। बोले सर ये 120 कहां से आया, पांच का फैक्टोरियल था, और इसके बाद किसी का भी फैक्टोरियल हो उसके पीछे जीरो ही आना है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते भाई मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें जनरली सवाल लिए थे सिंपल, ताकि आपको मैं ये टाइप समझा पाऊं, ठीक है। और इसकी जो सेकेंड वीडियो आने वाली है उसमें सारे मैं घात वाले सवालों को कवर करूंगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।